निंजा ZX10R, यामाहा R1, यामाहा R6 और कावासाकी Z900 रीसेंट ईयर्स की सबसे पॉपुलर बाइक्स हैं। और इन सभी बाइक्स में जो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है वो है इनका इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। अगर आप ड्रूट राइडर के रेगुलर व्यूअर हैं तो श्योरली आपके अंदर भी बाइक्स का काफी बड़ा कीड़ा है और फ्यूचर में अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद 1000cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक खरीदकर अपनी सिटी स्ट्रीट पर उसे फुल स्वैग में चलाने का सपना आपने कई बार देखा है। पर एज अ वेल विशर फ्रेंड एंड अ रिस्पॉन्सिबल राइडर, मैं आपको ये शॉकिंग अलर्ट दे रहा हूँ कि आने वाले कुछ सालों में इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स मार्केट से कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट होने वाली है। हेलो राइडर्स, ये द ड्रूट राइडर शो और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स की शुरुआत, उनकी स्पेशलिटी, उनके गोल्डन पीरियड और फाइनली उनके एक्सटेंशन एपिसोड की, जो प्रेजेंट टाइम में अपने क्लाइमैक्स की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। सो लेट्स बिगिन। अर्ली एजेस में बाइसिकल्स के फ्रेम पर छोटे सिंगल सिलेंडर इंजन को अटैच करके पहली मोटरसाइकिल्स डेवलप की गई। इन इनिशियल मोटरसाइकिल्स को चलाने के बाद जैसे ही लोगों को रियलाइज हुआ कि बवाल चीज है वे, साला सिस्टम मिल जाता है, तो लोगों ने इसे बेटर और फास्ट बनाने पर अपनी पूरी एनर्जी लगा दी। ज्यादा स्पीड के लिए इंजीनियर्स ने पहले बाइक्स के इंजन साइज को बढ़ाया, फिर सिंगल सिलेंडर इंजन की जगह डबल सिलेंडर इंजन यूज किए जाने लगे और फिर फाइनली कार्स की तरह बाइक्स में भी 4 सिलेंडर वाले इंजन को फिट किया जाने लगा। 1927 में पहली बार इंडियन मोटरसाइकिल्स ने लार्ज स्केल पर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स मैन्युफैक्चर की। ये इंडियन मोटरसाइकिल्स हमारे भारत की नहीं बल्कि अमेरिका की एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हार्ली डेविडसन से भी पहले से मोटरसाइकिल्स बनाने के बिजनेस में है। इस चैनल पर मैंने ऑलमोस्ट सारी मोटरसाइकिल कंपनीज की स्टोरी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। बस इंडियन मोटरसाइकिल्स और कुछ दूसरी लेस प्रोमिनेंट कंपनीज ही बची हैं जिन पर मैंने अब तक वीडियो नहीं बनाई है। अगर आप इंडियन मोटरसाइकिल्स की हिस्ट्री पर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इंडियन मोटरसाइकिल स्टोरी लिख दें। अगर अगले वीक तक 20 रिक्वेस्ट इस वीडियो के लिए आ जाएंगी तो मैं अगली संडे स्पेशल वीडियो के बाद इंडियन मोटरसाइकिल की स्टोरी पर ही वीडियो बनाऊंगा। नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। इंडियन मोटरसाइकिल्स की तरफ से बाइक्स में इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन लगाने की शुरुआत के बाद MV अगुस्ता और कुछ दूसरी कंपनीज ने भी अपनी बाइक्स में इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन को यूज किया। पर इसे मेन स्ट्रीम में लाने और वर्ल्ड फेमस करने का क्रेडिट होंडा को जाता है जिसने 1969 में CB750 को लॉन्च किया था। ये बाइक अमेरिकन मार्केट में ट्रायम्फ और BSA के ट्रिपल सिलेंडर इंजन वाली बाइक से कम्पीट करने के लिए डिजाइन की गई थी। 736cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन और डिस्क ब्रेक की वजह से बाइकर कम्युनिटी में इसे लेकर काफी बज क्रिएट हुआ था। 68 HP की मैक्सिमम पावर और 60 Nm टॉर्क के साथ ये बाइक 201 km/h की टॉप स्पीड अचीव करती थी, जो उस समय काफी बड़ी बात थी। पावरफुल परफॉर्मेंस और प्रीमियम लुक्स की वजह से इस बाइक को UJM यानी कि यूनिवर्सल जापानीज मोटरसाइकिल कहा जाने लगा। होंडा CB750 के बाद दूसरी कंपनीज ने भी अपनी रेसिंग बाइक्स की तरह पब्लिक रोड्स के लिए भी बड़ी कैपेसिटी वाली 4 सिलेंडर इंजन बाइक्स डेवलप करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमें आगे चलकर द लेजेंडरी R1 और GSXR 1000 जैसी सुपर स्पोर्ट बाइक्स मिली। इसीलिए होंडा CB750 को द फर्स्ट सुपर बाइक कहा जाता है। 2000s में यामाहा R1, यामाहा R6, सुजुकी GSXR 1000 और कावासाकी निंजा ZX10R जैसी सुपर स्पोर्ट बाइक्स अपने पावरफुल इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन के साथ बाइकर्स के दिलों पर राज कर रही थी। पर अब यहाँ एक ऑब्वियस क्वेश्चन अराइज होता है कि इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन में ऐसा क्या खास है जो राइडर्स इन्हें इतना पसंद करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं आपको 4 सेगमेंट में से एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आप इसे इजीली समझ पाएंगे। आइकॉनिक साउंड। एक पावरफुल मोटरसाइकिल राइड करने के थ्रिल में 60% कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी दमदार आवाज का होता है। अब इसी क्लिप में अगर ऑडियो को म्यूट कर दिया जाए तो आपको वो थ्रिल फील नहीं होगा जो आपने पहली बार इस क्लिप को देखते हुए फील किया था। परफॉर्मेंस एंड पावर। इनलाइन 4 कॉन्फ़िगरेशन वाले इंजन्स काफी हाई RPM पर स्मूथली रन कर सकते हैं। इसी वजह से इन इंजन्स की पावर डिलीवरी भी काफी हाई होती है और थ्रॉटल रिस्पांस भी दूसरे इंजन कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में फास्ट होता है।
इन रीजंस की वजह से इनलाइन फोर इंजन स्पोर्ट बाइक्स के लिए परफेक्ट होते हैं। इनलाइन फोर अरेंजमेंट के साथ क्रॉस स्प्रिंग क्रैंकशाफ्ट की हेल्प से बाइक की पावर डिलीवरी को और भी ज्यादा यूनिफॉर्म बनाया जा सकता है, जो रेसिंग में काफी बेनिफिशियल प्रूव होती है, जैसे कि यामाहा YZR M1 MotoGP बाइक और द लेजेंडरी R1। स्मूथनेस। इनलाइन फोर इंजन किसी भी दूसरे सिंगल या डबल सिलेंडर इंजन के कंपैरिजन में काफी स्मूथ होते हैं, क्योंकि इनमें क्रैंकशाफ्ट और चारों पिस्टन्स के फायरिंग सीक्वेंस को स्पेशल वे में अरेंज करके एक दूसरे के वाइब्रेशंस को कैंसिल आउट किया जा सकता है। यानी कि इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स में हैंडलिंग भी काफी अच्छी मिलती है और लॉन्ग राइड्स में राइडर्स को ज्यादा थकान भी नहीं होती है। वर्सेटिलिटी एंड कॉस्ट। वैसे तो इनलाइन फोर इंजन्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, पर V4 और V2 इंजन्स के कंपैरिजन में इनका कंस्ट्रक्शन सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन इंजन्स में सिलेंडर हेड एक ही होता है। कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज की वजह से इनलाइन फोर इंजन्स हर तरह की बाइक में फिट हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें एडवेंचर, स्पोर्ट, टूरर और क्रूजर बाइक्स में भी यूज किया जा सकता है। इनलाइन फोर इंजन्स की इन्हीं स्पेशलिटीज की वजह से 1990s में 1000 सीसी से लेकर 250 सीसी इंजन्स के लिए भी इनलाइन फोर कॉन्फ़िगरेशन को ही यूज किया जाने लगा। होंडा CBR 250 RR, कावासाकी ZXR 250 और सुजुकी बैंडिट 250 जैसी स्मॉल इंजन कैपेसिटी वाली इनलाइन फोर बाइक्स बिगिनर राइडर्स के बीच काफी पॉपुलर हो गई थी। इनलाइन फोर बाइक्स का गोल्डन पीरियड लेट 2000s तक चलता रहा, लेकिन 2010 के बाद मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में एक नए ट्रेंड की शुरुआत हुई। लोग स्पीड और स्टाइल के लिए बनी स्पोर्ट बाइक्स के कंपैरिजन में स्ट्रीट नेकेड बाइक्स की तरफ मूव होने लगे, जो ज्यादा कंफर्टेबल और डेली यूज में प्रैक्टिकल होती हैं। इसके बाद मिड साइज्ड एडवेंचर बाइक्स और अफोर्डेबल रोडस्टर्स के आने से मार्केट में बड़ी स्पोर्ट बाइक्स की डिमांड तेजी से कम हुई है। मिलेनियल्स और जेंजी राइडर्स 20 लाख की 1000 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन बाइक्स की जगह 300 टू 400 सीसी सिंगल एंड डबल सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स चूज कर रहे हैं, जो उन पर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालती हैं। कावासाकी आज भी कुछ कंट्रीज में 250 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन वाली ZX25R ऑफर करता है, पर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन की वजह से छोटी इनलाइन फोर बाइक्स काफी महंगी होती हैं। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से इंजीनियर्स काफी कम कॉस्ट में ऐसे ट्विन सिलेंडर इंजन डेवलप कर चुके हैं, जो छोटे इनलाइन फोर इंजन जितने ही पावरफुल होते हैं। ऐसे में हाई प्राइस और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट पे करके एक इनलाइन फोर इंजन वाली छोटी बाइक ओन करना स्मार्ट डिसीजन नहीं है। एक्सपेंसिव प्राइस टैग को इग्नोर करते हुए 1000 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन वाली सुपर स्पोर्ट बाइक्स की बात करें, तो पूरे वर्ल्ड में स्ट्रिक्ट होते जा रहे इमिशन नॉर्म्स की वजह से हाई परफॉर्मेंस इनलाइन फोर इंजन को बिना मेजर प्राइस हाइक के बनाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए यामाहा ने अपनी मोस्ट आइकॉनिक सुपर स्पोर्ट बाइक R1 को 2025 के नए इमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपग्रेड नहीं किया है, जिसका मतलब है कि आने वाले कुछ टाइम में ये बाइक डिसकंटिन्यू हो सकती है। इनलाइन फोर इंजन्स के कंपैरिजन में पैरेलल ट्विन और वी ट्विन इंजन नए इमिशन नॉर्म्स के साथ इजीली अडैप्ट कर जाते हैं। इनके कॉम्पैक्ट डिजाइन और अच्छी पावर डिलीवरी की वजह से इन्हें स्ट्रीट, स्पोर्ट, एडवेंचर और क्रूजर जैसी डिफरेंट कैटेगरी वाली बाइक्स में इजीली यूज किया जा सकता है, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस भी इनलाइन फोर इंजन्स के कंपैरिजन में कम होती है। आज के टाइम में KTM 990 ड्यूक, यामाहा R7 और KTM 1390 सुपर ड्यूक जैसी बाइक्स में भी ट्विन सिलेंडर इंजन्स को ही यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये ज्यादा प्रैक्टिकल और इफिशियंट है। पावरफुल इलेक्ट्रिक बाइक्स के फील्ड में हो रहे रैपिड डेवलपमेंट्स भी इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन्स पर बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं। EVs का नाम सुनते ही आप में से ज्यादातर लोग अटैक मोड में आ गए होंगे, पर एक बार अपने इमोशंस को साइड में रखकर लॉजिकली सोचें, तो BMW, कावासाकी और रॉयल पी जैसी कंपनीज के EV प्रोजेक्ट पर काम करने से ये तो क्लियर है कि फ्यूचर में EVs काफी ज्यादा कॉमन होने वाली हैं। 1000 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन वाली बाइक्स के कंपैरिजन में न्यू एज इलेक्ट्रिक बाइक्स काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और इफिशियंट होंगी, यानी कि आने वाले टाइम में इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन बाइक्स का एक्सटिंक्ट होना इनेविटेबल है। इनलाइन फोर और दूसरी बड़ी बाइक्स के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।